मैं कई दफा अर्ज कीता जिहदे पिछे मनुख दौड़दा है, जिहनूं देखण दी लालसा रखदा है, वैसा वो होना चाहता है, होना चाहता है। किधरे एक राजनैतिक किसी जलसे च उन्हें बोलना है, सारा शहर इकट्ठा होंदा है, भावें उही बहुदा ते झूठियां गल्लां सारी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी दुनिया सुनन इकट्ठी आउंदी है, परिक्रमा भी करती है। इस तो स्पष्ट है मनुख राजनीतिक ही होना चाहता है। फिर एक फिल्म स्टार आ जाता है, सारा शहर उसके पीछे दौड़ पैंदा है। इस तो पता, हालांकि वो स्टेज देते नकल पेश करता है, हासे दी, रोने दी, मरने दी, जीवन दी नकल पेश करता है। ते मनुखां दा जीवन इतना नकली हो गया है कि नकल नूं पेश करन वाला पूज बन गया, महान बन गया। इस तरह पहले नहीं सी, या इंज कह लईए पहले इतनी जिंदगी देच नकल नहीं सी, असल सी। नाटक मंडियां पहले भी होंदियां सन, रास बारी पहले भी होंदे सन, लोकी सिरां ते चुक्की नहीं फिरदे होंदे सन। पर अज ते अभिनेता एक्टर मनुख दे सिर ते बैठा, जन्म तो लैके मरण तक उन्हां दियां कहानियां गल्लां तरह तरह के फिल्म फिल्मी मैगजीन दे छपदियां, और सारा देश की सारी दुनिया अपने अपने मुल्क दे फिल्म स्टारां दी जीवन कथा पढ़दी है। कौन अवतारां दी कथा पढ़े, कौन संतां महात्मावां दियां कथा पढ़े। मनुख जिहनूं पढ़ना चाहुंदा है, सुनना चाहुंदा है, वेखना चाहुंदा है, जिहदे पिछे दौड़ रहा है, भज रहा है, वैसे होना चाहुंदा है। सिकंदर नूं देखण लई सारा शहर उमड़े है, सवारी इसकी निकली हाथी ते बैठा है, क्योंकि उच्चा जानवर है तो भीड़ विच उच्चा सिंघासन चाहिदा सी, हाथी ते बैठा है पालकी विच। सवारी निकल रही है, कोई फुलां दे बरखा करदा है, कोई उपमा विच गीत गांदा है, कोई अपनी भाषा दे तरह तरह दे नारे लांदा है, सलामां करदे ने चुक चुक के। हाथी होले होले चल रहे, रस्ते दे चौक आउंदी है ते बिल्कुल सामने है एक मस्त फकीर बैठा है, पर तन दे कपड़े पाटे हुए से, हालत मस्तानी सी। सवारी लंगी, जेडे बैठे सन सारे खड़े हो गए सलाम करने वास्ते, जेडे खड़े सन उन्होंने झुक के सलाम की थी। वो फकीर खड़ा नहीं होया, फिर सलाम भी नहीं की थी। सिकंदर ने हाथी रुकवाया, कोई बागी जापदा है, आज एक गुस्ताखी कर रहा है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। पुराना जमाना सभ्यता शायद यही होगी, हाथी ते बैठे हैं सिकंदर, उस फकीर नो कहिंदा मंगते भिखारी तेरी शामत ते नहीं आई, तू यूनान दे आदाब तहजीब नहीं जानता, और तेनू शाही आदाब का नहीं पता। फकीर दी अखां खुलियां ते देखिया बादशाह तैश दे चे गुस्से चे, शक्तिशाली मनुख गुस्से च होवे ते अगला कमजोर होवे, गुस्ताखी मां गुस्सा ही कमजोर ते आंदा, ताकतवर ते आंदा ही नहीं, आंदा ही।
ताकतवर दे सामने बंदा गुस्सा पी जाता है, कमजोर देते गुस्सा कटता है कटता है। एक सच्चाई है, जिथे भी मनुख गुस्सा कट रहा हो समझ लेना कमजोर है, कमजोर है। नौकर घर का सफाई पिया करता है, मालिक बैठा है सोफे पे अखबार पिया पढ़ता है, अचानक जोर दी आवाज आई, पांडे ग्लेज़ड क्रॉकरी दे इसके टुटन की आवाज आई। खड़ा होके मालिक देखता वाकई प्याले टुट गए ने, केटली टुट गई है, डांटन लग पिया नौकर नूं, क्रोध कड़ी जाए कड़ी जाए, तरह तरह की ताड़ना करी जाए, तेनों कम करन दी जाच ने, सफाई ढंग नाल करिया। कितने चो हाथ जोड़ के नौकर कहिंदा है, मैं नहीं तोड़िया, थोड़े बच्चे ने तोड़िया, खेड रहा समय की। गुस्सा शांत हो गया, मासूम बच्चा नौकर ते कड़े है गुस्सा, जो बेकसूर है ते जिड़ा कसूर आ रहा है उसके प्रति चुप कर गया। चुप कर, जो प्यारा होवे अपना होवे उससे भी गुस्सा कढ़ना औखा है, जो ताकतवर होवे शक्तिशाली होवे उससे भी गुस्सा कढ़ना बड़ा औखा है। क्रोध मनुख कमजोर ते ही करता है, निर्बल ते करता है। बड़ा क्रोध आया सिकंदर, मंगते तेरी शामत ते नहीं आई, तू इत्थों दे शाही अदाब नहीं जानदा। फकीर सियाणा सी, सूझवान सी, शक्तिशाली मनुख जिहदे कोल ताकत है, गुस्से च आया होया कुछ भी कर सकदा। फकीर ने भी अपनी सियाणप वरती आख्या, बादशाह सलामत गल यह है, मैं थोड़े मस्तक दियां रेखा पढ़ रहा सी, ते रेखा कह रही ने तेनू बड़ा कुछ मिलना है, बड़ा कुछ मिलना, अजे ते कुछ भी नहीं, अजे ते सौवां भाग भी नहीं। बड़ा खुश हो गया सिकंदर, पहले क्रोध विच आके ममता आख्या सी, भिखारी आख्या सी, हुण हाथी ते बैठिया होया कहिंदा है, फकीर साई होर दसो मेरे मस्तक विच की लिखिया है। पहले ममता आख्या, हुण फकीर साई, पीर साई दसो मेरे मस्तक विच होर की लिखिया। फकीर कहिंदा है, गल ये है बहुत कुछ लिखे है, बहुत कुछ मैं तेनों दे सकदा, पर एक शर्त है कि हाथी तो थले उतर इतने मेरे को। सिकंदर मन दे सोचदा बड़े खून खराबे करने पैंदे ने, अपने सिपाही भी मरदे ने दूजे, तां किधरे कुछ हासिल होंदा, इहदे आशीर्वाद नाल बड़ा कुछ मिल जाए, सौदा सस्ता ही है, महंगा नहीं। थले उतरे फकीर दे कोल चला गया, कहिंदा फकीर साई दसो मेरे मस्तक विच की लिखे है, ते तुसी मैनू होर की दे सकदे। फकीर कहिंदा बहुत कुछ दे सकदा, बहुत कुछ दे सकदा, कम से कम तू मंगते दी तरह झोली ते अड़ के खड़ा तां मैं देआं, एवें किस तरह दे दे, तो झोली ते अड़ के खड़ा हो मेरे। सिकंदर कहिंदा सौदा सस्ता ही है, इंज झोली अड़ के खड़ा। फकीर दी समाधि लग गई, बिस्माद मंडल च आ गए।
काफी देर तक जब फकीर ने अखा नहीं खोलिया, सिकंदर कहिंदा छेती करो, मैं जाना जो कुछ देना है छेती मेरी चोरी जवाब। अखा खोलदे आया ते डांटदे आया फकीर कहिंदा जा मंगते मैं तेनू कख नहीं देना, तू मैनु मंगता आखिया सी, तू मंगते कोलो मंग रहा है, इस वास्ते मैं तेनू मंगता साबित कीता। सिकंदर तेरी कोई ताकत मैनू दुखी नहीं कर सकती, ते दुनिया की कोई दौलत तेनू सुखी नहीं कर सकती, तेरे को संतुष्टि नहीं है, नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ना, मां संतोख मेरा पिता है, हर जगह मैनू सुख दे च रखता है, आराम दे च रखता है, आनंद दे च रखता है। हुण तृप्ता जी कहते ना परिवार विच केवल मां बाप नहीं आते, भैन भरा भी होंगे, भैन भी है थोड़ी, पत्नी भी है, बच्चे भी है। सत धाई कर ए विषय, ये जो देन की बिरती है, दान की बिरती, जो ज्ञान गुरु नानक अकाल पुरख तो मिले, अज तक इतना कोई दानी वड्डा होया नहीं, नौ खंड पृथ्वी उसनों वंडदे पए, जोगियां कोल वंडन वास्ते चले गए, अठाठ तीर्थां ते वंडन वास्ते चले गए, मक्के दे हाजियां कोल वंडन वास्ते चले गए, सारा रशिया चाइना बर्मा ले लद्दाख और कोई थाईलैंड का हिस्सा, सारी जगह वंडदे, इन्ना वड्डा दान है जो ज्ञान प्रभु को मिले वंडिए। धन वंडोगे तो घटेगा, ज्ञान वंडोगे तो वधेगा, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना काट, ये नहीं घटना। एको ही परमात्मा दे नाम दा ज्ञान है, वंडन नाल वधदा है, घटदा नहीं, नहीं घटदा, बाकी सब कुछ घटदा है। देखो मनुख कोल जो कुछ होवे ते वो अपने चार बच्चियां च वंडना चाहे तो घट जाएगा, क्योंकि चारां च वंडिया, चारां दी गल छड्डो, प्रभु दा नाम ज्ञान हजारां लखां करोड़ां विच वी वंडिए घटदा नहीं। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट, घटदा नहीं। ये जिहड़ी दानी बिरती है, देना है, देना है, दे के खुशी, दे के आनंद मिले, दे के खुशी मिले, सेवा करके खुशी मिले, हथों दे के भला मनाए, कुछ दे के खुश होवे, प्रसन्न होवे, लोभी लेके खुश होंगे, उन्हों लेके खुशी मिलती है। देना पे तो बड़ा दुखी होंगे, संतोखी दे के खुश होंगे, लेंदा मजबूरी च है, लोड़वा ये पहचान है, ये पहचान है, ये मेरे बैन बरा है, ये दानी बिरती उच्चा आचरण है, मेरी मां तू चिंता ना कर, ये मेरे बैन बरा है, पत्नी बच्चे। तो साहब कहते ने सरम सुरत दोए ससुर भय, करनी कामन कर मन लै, करनी कहते ने भक्ति, भक्ति मेरी कामन है, निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी भक्ति नु पत्नी कहते,
ये स्त्री स्वभाव दी है, ज्ञान पुरुष स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव पुरुष वाला है, भक्ति का स्वभाव नारी वाला है, समर्पण वाला है। ये करनी ये भक्ति मेरी कामन है, शर्म सुरत दो ससुर पर, शर्म कहते हैं मेहनत में, मुशक्कत मेहनत, ते सुरत कहते हैं एकाग्रता। ये जो मैं मेहनत की थी है और कर रहा हूं, ये मेरी सास है, और जो एकाग्रता है टिकाओ है ये मेरा सौरा है। शर्म रूपी मेहनत रूपी सस, सुरत रूपी सौरे दे संजोग तो एक लड़की का जन्म होया है, भक्ति ये मेरी कामण है, ये मेरी पत्नी करने कामण कर मन ले। त्रिपता जी मैं उस दिन भी अर्ज की थी, हजरत ईसा कहते हैं कि अवतार तो दुनिया के मां बाप घट ही लाभ लेंदे ने, शरीक भी घट लाभ लेंदे ने, लंगोटिया यार भी घट लाभ लेंदा, भी कहिंदा साडा मित्र है खेडदे ने, करीबन करीबन सारे अवतारा नाल इस तरह ही है। ममता की दृष्टि नाल देख रही है गुरु नानक, कहती है पुत्र नानक ऐ फिजूल दियां गल्लां छड़, मेरी समझ च नहीं आउंदियां, देख सुलखणी नाल असी व्याह कराया सी तेरा, बरात लेके गए सी, बड़ी लंबी चौड़ी बरात लेके गए सी ते व्याह के लिया सी। ये जिहड़ी भगति रूपी कामण है ये कदों व्याह होया, किवें होया, कदों होया, ये संबंध किवें बने, सतगुर यह भी दसते ने। कवि संतोख सिंह जिस ढंग नाल बयान पे करते हैं भई माता गुरु नानक के बोलों की गहराई नहीं पकड़ रहे, नहीं पकड़,